अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ पे एक ड्राइव शुरू की जिसको हमने कम्युनिटी लेवल पे शुरू किया, जिसके अंदर हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं सिडबी। सिडबी के साथ साथ मुमताज बायोडिग्रेडेबल जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सरिंग के साथ साथ हमारे साथ कोलैबोरेट किया जम्मू एंड कश्मीर इको वॉच, जिनके अंडर आता है गो ग्रीन अनंतनाग, जिनके हमें आगे जो सरबरा है एडवोकेट नदीम अहमद कादरी है, उनकी सरबराही में यह हमने ड्राइव की है। मैंने उनके बिहाफ पे एज डायरेक्टर फॉर गो ग्रीन अनंतनाग, मैंने अनंतनाग में ये ड्राइव पूरे अच्छे तरीके से शुरू करके आज इसकी एक फाउंडेशन डाली है। इस ड्राइव के साथ साथ जो मेन मकसद है वो है ग्रीन विलेज पॉलिसी। ग्रीन विलेज पॉलिसी हमने यहाँ पे इस गांव में शुरू की है। ग्रीन विलेज पॉलिसी में हमें इस गांव को जो ब्रह अनंतनाग है इसको एक ग्रीन विलेज डिक्लेयर करना है, जो हमने आज उसकी फाउंडेशन डाली है। आज का डेट यानी कि 29 सितंबर 2024, ये याद रखा जाएगा हिस्ट्री में कि अगले 15 अगस्त तक इस गांव को ग्रीन विलेज का टाइटल मिलना चाहिए। ग्रीन विलेज और ग्रीन सिटीज क्या होती है वो मैं आपको पहले बता दूं। इंदौर को जम्मू एंड कश्मीर, इंदौर को इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां हर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी समझता है। रेडी वाला हो, उसके सामने डस्टबिन लगाया, उसमें अपना कचरा डाल के म्युनिसिपैलिटी आके ले जाती है। जो भी बंदा घर से कोई कचरा निकालता है वो गाड़ी में दिया जाता है, सड़क पे नहीं। वही यहां पे हमने अपने गांव में इस चीज को हर किसी को समझाना है। उसके लिए आज हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, इनको हम ग्रीन सिटीजन्स का खिताब देते हैं, यानी कि ये हमारे ग्रीन सिटीजन्स हैं। आज से आप सब लोग ग्रीन सिटीजन्स कहलाओगे, जिनको एक्नॉलेज करेगी सिडबी और मुमताज बायोडिग्रेडेबल्स कि ये हमेशा ग्रीन सिटीजन्स रहेंगे। आगे गांव में कोई काम होगा, सफाई का, कंस्ट्रक्शन का, या फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई काम होगा, प्लांटेशन का, उसमें आप लोग सबकी पहले अच्छे से आप लोगों से पूछा जाना चाहिए। आपके बिना यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। प्लांट्स काट के वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए प्लांट्स के साथ साथ, सफाई के साथ साथ हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ आगे उनके सामने जाएंगे कि हमें आप जितना हो सके इस गांव को हॉस्पिटल्स दे, स्कूल्स दे, लेकिन उन जगहों पे जो बैरन है, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं। पहली हमारी क्या रहेगी कि हम फॉरेस्ट लैंड पे कुछ यहाँ पे होने नहीं देंगे। सेकंड, यहाँ पे हम कोई पेड़ कटने नहीं देंगे। थर्ड चीज, कोई भी बंदा ना तो गोबर बाहर डालेगा, ना तो कोई प्लास्टिक की थैली बाहर डालेगा। आप लोगों को आज से प्लेज करोगे, आप हमारे साथ कसम लोगे, प्लेज यानी कि आप हमारे साथ बैठ लोगे, हमारे साथ कसम लोगे कि हम एनवायरमेंट के सेवियर्स बनेंगे। जब भी आप किसी को आप बाहर प्लास्टिक की थैली फेंकते हुए या कोई भी कचरा फेंकते हुए देखोगे, उसको आप टोकोगे, टोक के उसके हाथ से वो लोगे, लड़ाई नहीं करनी है, उसको समझाओगे कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, इस चीज को आपको कहां पे रखना है, प्लास्टिक को जलाना नहीं है, जमा करना है, और ब्लॉक डेवलपमेंट की गाड़ी आती है जो अर्बन बॉडी लोकल बॉडीज की गाड़ी आती है उसमें देना है। मैं जुनैद अहमद खान, मेरे रेजिडेंट साहब ब्रा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरे साथ ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर ब्रा है मिस्टर मुश्ताक अहमद बट साहब, और डीएफओ अनंतनाग की हिदायत पे हमने जो मुमताज़ जी है इनके साथ हमने प्लांटेशन ड्राइव किया ब्रह में। तो जितने भी हमारे यहाँ के ब्रह के लोकल लोग हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे सामने, आइए हमारे डीएफओ साहब का कहना है कि जहाँ पे भी आपको प्लांट चाहिए तो हम ग्रीन वैली बनाएंगे पूरे कश्मीर को। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको अवेलेबल रहेगा।